Great Lakes of Kashmir. Over the years, it has become one of the most popular high-altitude treks in India, but this year, KGL is witnessing more than 500 trekkers each day on average, which can be a little disheartening news for those who love peaceful environment. Abhi traffic jam ho gaya lagta hai. But why? Why is this trek becoming so popular? After spending 7 days on this trail and completing the trek, I think I know the answer. जिस किसी ने भी कहा ये इंडिया की सबसे प्रीटीएस्ट ट्रेक है, यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल। 13,000 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर की इस ट्रेक में 100 से भी ज्यादा ग्लेशियर से बने हुए लेक्स है। 3 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस और ग्लेशियर्स क्रॉस करना होता है। और यह हर एक स्टेप पे लैंडस्केप चेंज होता रहता है। और आई थिंक एवरी ट्रेकर डिजर्व्स टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ दिस हिमालयन ट्रेक एटलीस्ट वंस। केजीएल ट्रिक की शुरुआत होती है श्रीनगर से, और क्योंकि मेरे पास बाकी ट्रिक मेंबर से मिलने से पहले काफ़ी समय था, मैं उठती हूँ सुबह की 5 बजे डल लेक से सनराइज़ देखने, और फिर मैं जाती हूँ शिकारा राइड पे। और क्या ही बढ़िया डिसीजन था ये, क्योंकि सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बस ठंडी वेदर, पानी की आवाज़, खूबसूरत व्यूज़ और कम्प्लीटली रिलैक्स वाइब, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था 7 दिनों की एक चैलेंजिंग ट्रेक शुरू करने से पहले। और ये ट्रेक हम एक लोकल एजेंसी के साथ कर रहे हैं, हांग एडवेंचर क्लब। गाइड की नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गाइड की नाम है इनायत। KGL ट्रेक किसी भी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना ज़रूरी है, पर सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू ड्यूरिंग दिस ट्रेक, क्योंकि यहाँ पर बहुत जगहों पर आर्मी चेक पॉइंट्स है जहाँ पर आपकी IDs, परमिट्स एक्सेट्रा चेक किया जाता है। और हाँ, ड्यूरिंग KGL ट्रेक नहीं तो आपको फ़ोन में नेटवर्क मिलेगी और ना तो इलेक्ट्रिसिटी, सो कैरी योर पावर बैंक। आई हैव दिस एक 20,000 mAh वाला पावर बैंक मैं कैरी कर रही हूँ, और एक 10,000 mAh वाला है। मुझे तो बस अपना GoPro ही चार्ज करना है, सो दैट्स इनफ फॉर मी, आई थिंक सो। ओके, नाउ लेट्स गो। श्रीनगर से बाहर निकलते ही लैंडस्केप में एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है। लाश ग्रीनरी, कई जगहों पर बर्फ की पैचेस, और इंदुस यानी कि सिंधु रिवर, जिसे साथ में रखते हुए ये पूरा रास्ता सोनमर्ग की तरफ जाता है। एंड दिस मेक्स द 3 hours लॉन्ग जर्नी इवन मोर ब्यूटीफुल। जब हम बेस कैंप पहुंचते हैं, घड़ी में समय हो रहा था शाम की 7, पर अंधेरा होने में अभी भी देर था। Excuse me, ma'am. In one word, how is your first experience? I'm hungry. 3 words you have used. Dismissed. देखो, पावा देकर गए।
और ये है हमारा टॉयलेट टेंट, बस यही मिलेगा ट्रिक पे। वैसे केजीएल ट्रिक की एक डिटेल गाइड वीडियो बाद में अलग से आएगी, क्योंकि शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। स्टार्ट कर रहे हैं, ये था हमारा बेस कैंप सोनमर्ग में, और आज का हमारा डेस्टिनेशन होगा नीचनाई, और डिस्टेंस है कुछ 13 किलोमीटर्स के आसपास। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30, और वहाँ सामने दिख रहा है आर्मी चेक पोस्ट, वहाँ पर हमें अपना परमिट वगैरह चेक कराना होगा। चेक किया जा रहा है, सो अभी वेट करेंगे थोड़ी देर। यहाँ एट योर सर्विस मैम। थैंक यू मैम। चेक पोस्ट क्रॉस करते ही शुरू होता है असली चढ़ाई, और जितना हम ऊपर चढ़ते जाते हैं दिखाई देता है कश्मीर की असली खूबसूरती, यहाँ की हंसी वादियाँ, अलग अलग शेड्स की पहाड़। इट्स लाइक सम डेस्कटॉप वॉलपेपर। कितना चार्जेस क्या लेते हैं? चार्ज 2000। 2000 में जाते हैं? कहाँ तक? निजनी तक? कैंप तक। और फिर अगले दिन वहाँ से ट्रेक करना पड़ता है? फिर वहाँ से मिल जाता है। वहाँ से भी मिल जाता है? हाँ। एंड तक मिल जाता है? लेक तक? बिल्कुल। कम से कम रखा होता है घोड़े। हमसे ये कहा गया था टेबल टॉप आने तक ऊपर चढ़ते जाना है, और बहुत देर तक चलने के बाद, जबकि 13 किलोमीटर्स में से 3 किलोमीटर भी नहीं हुए थे, फाइनली हम पहुँचते टेबल टॉप, जो कि बेसिकली एक टी पॉइंट है, और 3-4 घर भी है। एवरीवन लुक सो टायर्ड, मी टू। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? टी, मैगी, एक्चुअली टी पॉइंट है ये। और ये टेबल टॉप क्रॉस करते ही मज़ा ही मज़ा, नो मोर स्टीप एसेंट। ये रास्ता बहुत खराब हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ से भरा हुआ है। अभी 5 मिनट में देयर इज लाइक नोटिसेबल चेंज इन द लैंडस्केप। अभी मीडो चल रहा था, और हमने एक टर्न लिया, और ये पेड़ वाला जंगल वाला एरिया स्टार्ट हो गया है। और ये जंगल क्रॉस करते ही आता है सबसे खूबसूरत, और आज की ट्रेल की मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, साइट पहुंचने वाले। सुबह 9:30 हमने ट्रैक करना शुरू किया था, और अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले ऑलमोस्ट। और ये लास्ट वाला स्ट्रेच देखो, बिल्कुल बोल्डर वाला है, और वो रहा कैंप साइट वहाँ पर।
एवरी केजीएल ब्रेकर्स नाइटमेयर। बहुत देर से बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। पार्ट वन की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ट्रेल है ही इतनी खूबसूरत, हर एक फ्रेम कैप्चर करने की मन करता है, तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। पर अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, लेट मी अश्योर यू, नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हमें क्रॉस करना होगा 3 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, सो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ऊपर है और पीछे किसी का तबीयत भी खराब हो गया है। एंड द ट्रेल इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, मोर ब्यूटिफुल, मोर इंटरेस्टिंग। सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और ये वाला पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। डू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा। अभी कुछ करना नहीं है, अभी हम सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए।